श्री आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज एक साल पूरे किए हैं। लोगों की मदद करते हुए इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने कई लोगों को काम दिया। जिनकी मदद किसी ने नहीं की, उनकी मदद इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने की। इस ट्रस्ट के फाउंडर श्री जयेश भाई जरीवाला जी हैं, जिनकी बदौलत पर इतना बड़ा काम संपन्न हुआ है। द फेस ऑफ इंडिया की रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी ने आज एक साल पूरे होने पर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से बात की। उन्होंने इस ट्रस्ट को काफी सराहा है। इस ट्रस्ट को सभी ने धन्यवाद दिया है। सविता बेन ना अच्छा आता है संस्था तरफ से। आदि जी संस्था तरफ से खाना अच्छा आता है। लारिज में भी ये आता है खाना है। एक साल हो गया है पूरा, शिकायत नहीं है कुछ भी नहीं। अकेली 3-4 साल से, 4-5 साल लग है तो रूम छोटी है न परिवार है, उसको नहीं मिलती है तो मैं क्या चलाती हूँ कैसा भी अपना। मेरा तरफ से एक साल से खाना आता है तो तुम्हारा बड़े आभार। एक साल हो गए नहीं कुछ सीखा है बच्चा ने, सब टाइम पे मिलते रोटी चावल दाल भाजी सब अच्छा। और मेरा वाइफ भी मिल रहा है, आदि जी संस्था से आता है खाना और अच्छा खाना देता है। वो एक साल हो गया, हम लोग का बहुत सेवा करता है वो लोग। संस्था जो है वो हम लोग को बहुत हेल्प करता है, हमारा लाइट बिल भरता है, छोटा छोटा मोटा कुछ दवाई है वो भी खरीद के देते हैं वो लोग, सब अच्छा करते हैं। और हमारे जैसा सब परिवार लोगों को वो खाना खिलाते हैं क्या, तो हम लोग उनको आशीर्वाद देता है कि वो लोग का भला हो। आभार व्यक्त करता हूँ मैं। मेरा नाम अजय दर्जी है। पहले शुक्रगुजार बोलूँगा क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, करीबन हमको इधर 20 साल हो गया, साथ में ही रहते हम लोग। और बड़ी बात यह है कि एक साल से उनको खाना पहुँचा रहे और संस्था उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। जैसा कि लाइट बिल हो गया, खाना हो गया, अभी इनका कोई कमाने वाला है ही नहीं। फिलहाल उनकी दवाई का खर्चा वगैरह जो है वो संस्था उठा रही है। उनका खाना 2 टाइम आता है उनका, टाइम टू टाइम। और इनका कमाने वाला जो लड़का था वो ट्रेन एक्सीडेंट में गुजर गया है, और अभी उसके बाद तो कोई उनका घर का सपोर्ट भी नहीं था। तो सपोर्ट नहीं था इसके वजह अपने जो संस्था था आदि जिन, उन्होंने संस्था इनका खर्चा उठाया है, वो बड़ी बात है। और ऐसे 130 बुजुर्ग का ये खर्चा उठा रहा है तो मैं उनको शुक्रगुजार बोलूँगा कि वो संस्था को और उनके हर ये बुजुर्ग का आशीर्वाद मिले और ये संस्था और चले। मेरा नाम हिमांशु दिलीप हिंगू, श्री आदि जिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। और ये संस्था कम से कम 20 साल से सोशल वर्क कर रही है, और पिछले गए साल 24 मार्च 2020 मतलब लॉकडाउन के 2 दिन के बाद मैं ये संस्था से जुड़ा। तब संस्था खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, लॉकडाउन का समय था। एक खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत हुई मेरी ये संस्था से। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया, तकलीफ़ें लोगों की बढ़ती गई, तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ। फिर लोगों के अकाउंट में पैसे डालने चालू किए क्योंकि आर्थिक परिस्थिति लोगों की बढ़ती गई, उसकी कारण मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था लोगों का, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो लोगों को कैश देते जा रहे थे जिनको बहुत सही मायनों में शारीरिक तकलीफ है उन लोगों को। और फिर धीरे धीरे पता चला, संस्था ने सोचा कि हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम सीनियर सिटीजन पे फोकस करें। सीनियर सिटीजन इसलिए कि एज के हिसाब से उनको कहीं पे काम मिलता नहीं है और उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, बच्चे हैं और संभाल नहीं रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं ही नहीं, तो इन लोग क्या अपना गुजारा कैसे करते होंगे। तो एक छोटा सा सर्वे हमने नालासोपारा में किया, तब पता चला कि सही मायनों में इनको इन तक कुछ हेल्प करना बहुत योग्य है। तो 11 टिफ़िन से नालासोपारा में फ्री टिफ़िन सेवा चालू हुई, जिनका वडिल वंदना करके नाम दिया गया। आज सिलसिला ऐसा है कि 130 बुज़ुर्ग और इनमें फिज़िकली चैलेंज्ड जितने भी फैमिलीज़ हैं उनको फ्री में खाना पहुंचाया जा रहा है, जिसमें रोटी दाल चावल सब्जी, साथ ही साथ उनकी मेडिकल का खर्चा, और एवरी 15 डेज हाइजीन नाश्ता, ताकि वो बाहर का कोई और नाश्ता ना करें और वो कर बीमार ना पड़े, तो हाइजीन नाश्ता दिया जाता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि ये संस्था को एक साल पूरा हुआ है, और मैं बहुत
मैं संस्था को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कैसा है कि किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, पर वो कंसिस्टेंसी लाना बहुत मुश्किल है। तो ये नॉन स्टॉप 365 दिन हो गए नॉन स्टॉप बुज़ुर्गों को और तकलीफ़ वाले लोगों को खाना मिला, फ्री में खाना मिला। इस एक साल के दौरान में दिवाली आई, गणपति आई, कितने त्यौहार आए, गए साल बारिश आई थी, ये साल बारिश के साथ तूफान आया था। कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, पर श्री आदि जैन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट का टिफ़िन हर एक बुज़ुर्ग तक सही समय तक पहुंचा है, और ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ये संस्था से जुड़ा और इतने नेक कार्य में उनके सौभाग्य बन पाया। मैं इनके फाउंडर श्री जयेश भाई जरीवाला है, और इनका इनकी वजह से आज बहुत नेक कार्य हमारे नाला सोपारा में और ऑल ओवर इंडिया में हो पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ तो टिफ़िन सेवा तो चल ही रहा है, साथ ही साथ ऐसी काफ़ी जगहों पर अबोल जीव है जिसमें डॉग्स के लिए खाना, बिल्लियों के लिए खाना होता है, फिर कबूतर के लिए खाना, गौशाला में जाकर गाय माँ के लिए लड्डू, घास, ये सब खा देते हैं, फिर जितने भी गौशाला है जहाँ पे शेल्टर्स नहीं हैं तो शेल्टर देने का काम करते हैं। तो ये सारा काम इस ये और बहुत सारे वाड़िया हॉस्पिटल में बच्चों कैंसर बच्चे वाले बच्चे हैं या कोई और तकलीफ़ वाले बच्चे, तो उनको डोनेशन देना, टाटा हॉस्पिटल में इनका डोनेशन जाना, ऐसे बहुत बहुत सारे क्षेत्रों में श्री आदि जैन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रही है। जयेश भाई जरीवाला काम कर रहे हैं, उनके ट्रस्टीज़ हैं, उनके डोनर्स हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस ऐसे ही नेक कार्य हमेशा करते रहिए, और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं श्री आदि जैन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट का एक हिस्सा हूँ, और ऐसे ही नेक कार्य हम सब करते रहें ताकि हर एक जीव, हर एक इंडिया में जितने भी सोल है वो पीस सोल बन सके, उनको सुकून मिल सके। साथी द्विवेदी के साथ द फेस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट।